हेलो बच्चों, द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एच सी एन इज 1.3 इंटू 10 टू द पावर -9। द वैल्यू ऑफ हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ एच सी एन विल बी, आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट मतलब के एच की वैल्यू पूछ रहा है। तो आपको एक एसिड दिया गया है एच सी एन, जो कि एक बहुत वीक एसिड है। तो एच सी एन ठीक है, क्या होता है, ये वीक एसिड होता है। अब इसका आयनाइजेशन करेंगे, सो इट विल फॉर्म एच प्लस एंड सी एन माइनस आयन। ठीक है, अब इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू अगर लिखेंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी एन माइनस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, और इसकी वैल्यू दे रखी है 1.3 × 10 टू द पावर -9 के ए की वैल्यू दे रखी है। अब मान लेते हैं, सपोज ये जो साइनाइड आयन है ठीक है, ये वाटर में जाएगा, एच प्लस भी है, एच प्लस तो वाटर में ऑलरेडी रहता है ठीक है, तो इसको मैं नहीं दिख रहा हूँ अलग से। अब इसकी अगर हाइड्रोलिसिस होगी तो ये क्या करेगा, दिस विल फॉर्म, ये वाटर का एच ले लेगा अपने पास क्योंकि वीक एसिड है ठीक है, एच सी एन, और बचेगा क्या, ओ एच माइनस। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये हाइड्रोलिसिस है सो के एच ठीक है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट लिखेंगे अगर, सो एच सी एन और ओ एच माइनस की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन दिस विल बी सी एन माइनस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। अब देखिएगा ध्यान से, अगर मैं इसको थोड़ा सा, के एच आ रहा है हमारे सामने, के ए दिया हुआ है, अब थोड़ा सा अगर हम निकालना चाहते हैं इसमें हाइड्रोलिसिस कॉन्स्टेंट के एच की वैल्यू, तो इसमें से कुछ हमें क्या करना है, कुछ ऐसा बनाना है कि जिनकी वैल्यूज हमें पता हो। तो अगर मैं इसमें एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों तरफ एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन से, तो क्या हो जाएगा, कुछ सेट बन जाएंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एच सी एन, सी एन माइनस और एच प्लस ठीक है, एच सी एन, सी एन माइनस और एच प्लस, ये क्या हो गया हमारा, यही हो गया के ए, मतलब ये क्या हो गया, वन अपॉन के ए, तो इसको हमने लिख दिया वन अपॉन के ए। अब चूंकि वाटर हमारा एक्सेस में रहता है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन हम लोग क्या ले लेंगे, कॉन्स्टेंट, मतलब ये हमारा वन हो गया, तो इसको मैंने हटा दिया ठीक है, इसको कर दिया वन। अब बचा क्या, एच सी एन, सी एन और एच प्लस चला गया, अब बचा क्या, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, मतलब बचा क्या हमारा, के डब्ल्यू इंटू के डब्ल्यू। ये फॉर्मूला आप लोग को पहले से याद भी होना चाहिए, क्योंकि आपको अगर ये याद होगा तो आप डायरेक्ट वैल्यूज रख के फटाफट निकाल सकते हो, लेकिन अभी आपको मैंने ये थोड़ा सा करके दिखाया है। अब सिंपल सी बात है, हमें के एच की वैल्यू निकालनी है, सो के एच इज इक्वल टू आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर दैट इज 10 टू द पावर -14 अपॉन के ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.3 × 10 टू द पावर -9। इसको सॉल्व करेंगे अगर, सो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली यही वाला वैल्यू आएगा ठीक है, 0.77 × 10 टू द पावर -5 ठीक है, ये के एच की आपकी वैल्यू हो गई, इसलिए आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है ठीक है। थैंक यू।